सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, चुप हूँ तो कयामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में मोदी जी के प्रताप से और संघ के आशीर्वाद से भारत ने ऐसी ऐसी असीम ऊंचाइयों को छू लिया है जिसकी बराबरी ना तो सऊदी अरब कर पा रहा है और ना ही अरब के दूसरे देश। इस वक्त मोदी की शख्सियत के सामने अमेरिका और रूस भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। चीन तो एकदम थर 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 कांप रहा है और पाकिस्तान दिन में 5 बार अपना डायपर बदल रहा है। बेचारा बांग्लादेश का तो सूसू ही बंद नहीं हो रहा। अखंड भारत का अफगानिस्तान भूल चुका है कि उसके पड़ोस में मोदी का राम राज्य है। मतलब जब से भारत विश्वगुरु बना है तब से ही हर किसी के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए नहीं कि तमाम देश भारत को देखकर बुरी तरह से डरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहकर भी भारत की बराबरी नहीं कर सकते। क्योंकि भारत के मुकाबले भले ही उनका लोकतंत्र छोटा या बड़ा हो, लेकिन वो भारत की बराबरी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत में कच्चे वाली सेना से भारत के अंदर ही इतना खौफ है कि एक भी इंसान खुलकर बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता। वरना लोकतंत्र के मामले में भारत की रैंकिंग मुंह चढ़ाती नजर नहीं आ रही होती। प्रेस की आज़ादी के मामले में भी जग हंसाई हो रही है, लेकिन धर्म के नाम पर आग दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तो हिंदुओं को ही निशाना बनाने का काम शुरू हो गया है। साफ तौर पर कहा जाए तो सच्चा सनातनी और असली हिंदू वही शख्स होगा जो संघ की विचारधारा को समर्थन करेगा, वरना से देशद्रोही, हिंदू विरोधी और मुस्लिम मान लिया जाएगा। यानी संघ ही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा स्वघोषित ठेकेदार बन चुका है जो सत्ता से सवाल करते हैं, सरकार से कड़े सवाल पूछते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। उनके हिंदू होने पर सवाल खड़ा किया जाना बहुत ही आम बात हो चुकी है। ऐसे लोगों को हिंदू विरोधी भी कहा जा रहा है। हालांकि साल 2014 से पहले ऐसा नहीं है, उस वक्त भी हिंदू नेता ही देश पर राज कर रहे थे, लेकिन उस वक्त जिन हिंदुओं ने सत्ता और सरकार से सवाल किया उन्हें हिंदू विरोधी नहीं माना गया। लेकिन आज के दौर में सरकार से सवाल पूछना पाप हो चुका है। ऐसे में कलाकार, अदाकार, फनकार और पत्रकारों की शामत आई हुई है। एक ऐसे कलाकार के पीछे इस वक्त संघ के चेले चपाटी नहा धोकर पीछे चल चुके हैं जो अपनी कॉमेडी के जरिए सत्ता से सवाल पूछता है, जिसका नाम है कुणाल कामरा। कुणाल कामरा की कॉमेडी शो इस वक्त कुछ लोगों की आंख में इतना चुभ रहा है कि अब उसे बर्दाश्त कर पाना सबके बस की बात नहीं है। कुणाल कामरा कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है, जिसके सवाल और तंज भरे अंदाज से हर कोई परिचित है। हरियाणा के गुड़गांव में अभी हाल ही में कुणाल कामरा का शो आयोजित होने वाला था, जिसे विश्व हिंदू परिषद के दबाव में कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब शो कैंसिल होने के बाद कुणाल कामरा ने एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसका जवाब दे पाना VHP और उसके चेले चौपाटियों को बहुत मुश्किल होगा। आखिर क्या है कुणाल कामरा की चिट्ठी का राज? आखिर क्यों विश्व हिंदू परिषद होने वाली है हालत खराब? आखिर क्यों VHP की डायपर बदलने की आ सकती है नौबत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारे देश में इस वक्त उन लोगों को सबक सिखाने का काम तेज़ी से हो रहा है जो सत्ता और सरकार पर सवाल उठाते हैं, जो सरकार से उनके काम का हिसाब लेते हैं, जो सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल करते हैं, जिसका सरोकार होता है आपसे और हमसे। लेकिन ये सवाल उठाना शायद उन लोगों की आंख में खटक रहा है। लेकिन अब भाड़े के टपोरियों की हालत कुणाल कामरा के खत को पढ़ने के बाद खराब होने वाली है। दरअसल गुड़गांव में 17 और 18 सितंबर को कुणाल कामरा का शो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भारी विरोध की वजह से कैंसिल हो गया, जिसके बाद कुणाल कामरा खत लिखकर VHP को ललकार दिया है। कुणाल कामरा को हिंदू विरोधी बता रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अपने शो में देवी देवताओं पर कमेंट करते हैं। अब कुणाल कामरा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्विटर VHP को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें कुणाल ने खुद को सो कॉल्ड कॉमेडियन कुणाल कामरा के तौर पर परिचित कराया है और VHP को संबोधित करते हुए लिखा है कि आदरणीय हिंदू परिषद, मैंने आपके नाम के साथ विश्व इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस विश्व के हिंदुओं ने आपको अपने धर्म की ठेकेदारी दी है, यह आपने खुद से किया है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, आपने गुड़गांव में होने वाला मेरा शो क्लब के मालिक को धमकी देकर कैंसिल करवा दिया। उस बेचारे को क्या दोष है? उस बेचारे को क्या दोष दूं?
उसको बिजनेस करना है, गुंडों से कैसे उलझेगा, ना पुलिस के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा भी तो पुलिस तुम्हारे पास ही आएगी रिक्वेस्ट करने। कुल मिलाकर अब सिस्टम तुम्हारा ही है, लेकिन जो हिंदू कल्चर के अपमान की बात कर रहे हो वो मैंने कब किया है? कोई क्लिप या कोई ऐसा शो हो तो मुझे भी दिखाओ, मैं तो केवल सरकार पर तंज करता हूँ। अगर तुम सरकारी पालतू हो तो फिर तुम्हें बुरा लग सकता है, इसमें हिंदू की बात कहाँ से आ गई? मेरे और भगवान के रिश्ते का वैसे तो मैं कोई टेस्ट देना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी एक टेस्ट देकर तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ और गर्व से जय श्री सीताराम और जय राधा कृष्ण कहता हूँ। अब अगर तुम सच में भारत की संतान हो तो गोडसे मुर्दाबाद लिखकर भेजो, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम लोग हिंदू विरोधी और आतंक समर्थक हो। कहीं तुम गोडसे को भगवान तो नहीं मानते? अगर मानते हो तो आगे भी मेरे शो रद्द करवाते रहना, सिर्फ इस बात की खुशी रहेगी कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा हिंदू होने का टेस्ट तुमसे जीत गया। मैं कुछ भी करूँगा, अपनी मेहनत की रोटी खाऊँगा, क्योंकि मुझे तुमसे बड़ा हिंदू होने के नाते लगता है कि किसी को डरा धमका कर टुकड़े खाना पाप है। तुम्हारे अनाज्ञाकारी कुणाल कामरा, तो इस कुणाल कामरा ने VHP को जमकर लताड़ दिया है, और तो और उसको हिंदू होने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। वैसे VHP की नज़र में गोडसे उनका भगवान ही है, ग्वालियर में गोडसे का मंदिर भी बना हुआ है, लेकिन इन सब का ताल्लुक सत्ताधारी BJP से ही है जिसकी केंद्र में सरकार है। दरअसल दो दिन पहले ही खबर आई थी कि VHP और बजरंग दल हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके शो नहीं चलने देने की धमकी दी थी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए स्टूडियो एक्सो बार के जनरल मैनेजर ने कहा कि उनके पास बजरंग दल के 2 आदमी आए थे और उन्होंने शो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे शो को नहीं करने देंगे। मैंने स्टूडियो के मालिकों, पुलिस और कुणाल कामरा से बात और उन्हें बताया कि मैं अपनी कंपनी और संगठन के लिए कोई जोखिम नहीं चाहता हूँ, ऐसे में हमने शो को रद्द करने का फैसला किया। हमने इस मामले में पुलिस में भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, साथ ही टिकट बुकिंग कंपनी को भी बता दिया गया है ताकि शो के टिकट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के जिला कोऑर्डिनेटर प्रवीण सैनी उर्फ प्रवीण हिंदुस्तानी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने बार के प्रबंधन से मुलाकात किया और उन्हें शो रद्द करने के लिए कहा। इस कॉमेडियन ने अपने शो और वीडियो में बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। हमने आयोजकों को उनकी हरकतों की वीडियो YouTube पर दिखाए। हिंदू धर्म पर हमला करने वाले ऐसे कलाकारों को गुरुग्राम में परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, ये तो रही कथित हिंदूवादी संगठनों की बात, लेकिन धर्म के जिन ठेकेदारों ने कुणाल कामरा पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का और अपमान करने वाला हिंदू विरोधी करार दिया, क्या अब वो कुणाल कामरा के खत का जवाब देंगे? क्या ये लोग गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे? क्या ये लोग हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाला वीडियो क्लिप कुणाल कामरा के मुँह पर दे मारेंगे? शायद नहीं, क्योंकि कुणाल कामरा ने अपने खत के जरिए गेंद उन कथित हिंदूवादी संगठनों के पाले में डाल दी है जो लोग कुणाल कामरा पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।